कांग्रेस ने एक लंबे इंतजार के बाद दिल्ली की 3 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इन 3 सीटों में सबसे चर्चित चेहरा जो है वह कन्हैया कुमार का है। कन्हैया कुमार इस बार 2 बार के सांसद और भोजपुरी गायक अभिनेता मनोज तिवारी से नॉर्थ ईस्ट सीट पर मुकाबला करेंगे। ऐसे में ये मुकाबला बड़ा ही जबरदस्त होने वाला है। ये मुकाबला तमाम उन हाई प्रोफाइल मुकाबलों में एक होगा। आइए हम आपको कुछ बिंदुओं में समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार यह मुकाबला दिलचस्प और तमाम हाई प्रोफाइल मुकाबलों में एक कैसे होगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये मुकाबला सिर्फ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का नहीं बल्कि पूर्वांचली वर्सेस पूर्वांचली का होगा, क्योंकि दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट पर आकर बसे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से है। ऐसे में मनोज तिवारी की सीट पर काफ़ी पैठ है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने भी दाव खेला है और ऐसे ही चेहरों को वहां पर लाकर खड़ा किया है जो इन लोगों से कनेक्ट हो सके और जुड़ सके। बात करें अगर लोकप्रियता की तो भोजपुरी गायक और अभिनेता मनोज तिवारी की लोकप्रियता के क्या कहने, लेकिन अगर हम बात कर ले कन्हैया कुमार की तो कन्हैया कुमार भी कम लोकप्रिय नहीं है। JNU के प्रेसिडेंट बनकर रातों रात चर्चा में आए कन्हैया कुमार आज युवाओं के बीच बहुत बड़ा चेहरा है। हालांकि कन्हैया कुमार यहां से नहीं बल्कि बेगूसराय से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन चूंकि वह सीट राजद के खाते में चली गई, ऐसे में कन्हैया कुमार को नॉर्थ ईस्ट सीट से उतारा गया। कांग्रेस को यकीन है कि मनोज तिवारी की लोकप्रियता के सामने कन्हैया कुमार की लोकप्रियता भी काम आएगी और युवाओं के मुद्दों को जिस तरह से वह बेबाकी से उठाते रहे हैं उस बेबाकी के साथ वह जनता से जुड़ पाएंगे। कन्हैया कुमार कांग्रेस के सबसे चर्चित चेहरों में एक रहे हैं। हालांकि कन्हैया कुमार कुछ दिनों पहले तक जो है वो कम्युनिस्ट रहे, लेकिन देखा जाए तो इन दोनों भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की बात हो या फिर भारत जोड़ो यात्रा से युवाओं को जोड़ने की बात हो, वह तरह तरह से योजना बनाते आए हैं और भारत जोड़ो यात्रा से युवाओं को जोड़ते नजर आए। ऐसे में राहुल गांधी का कन्हैया कुमार पर कुछ खासा ही विश्वास देखने को मिल रहा है। तभी तो बेगूसराय से टिकट नहीं मिलने के बाद कन्हैया कुमार को नॉर्थ ईस्ट सीट से उतारा गया। तो वहीं दूसरी तरफ मनोज तिवारी की लोकप्रियता और विश्वसनीयता का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि दिल्ली के 7 सीटों पर केवल एक ही वर्तमान सांसद को टिकट मिला है और वह टिकट मनोज तिवारी का है। मनोज तिवारी न सिर्फ दिल्ली में बल्कि उनकी पैठ और चर्चा जो है वो तमाम क्षेत्रों में है। उन्हें स्टार प्रचारक के तौर पर भाजपा इस्तेमाल करते आई है। ऐसे में जीत सीट पर मनोज तिवारी की हो या फिर कन्हैया कुमार की, दोनों ही चेहरे काफ़ी लोकप्रिय हैं और दोनों ही चेहरों के बीच इतनी हिम्मत तो है कि वह दिल्ली की राजनीति और उसकी तपिश को संभाल सके। फिलहाल इसके साथ प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी। प्रभात खबर .com विश्वास वही रफ्तार नहीं।